कि ये एरिया मेट्रो में अब इंक्लूड हो गया है और हमने अपनी कंपनी शुरू कर दी है, लेकिन यहाँ पे विदाउट प्लानिंग नालों के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन हुए नाले अब नालियाँ बन गई है, वो एक बगैर एक प्लानिंग की गई थी, यानी उसको फर्दर हमने डिज़ाइन करना है, हमने इसको टेकअप करना है, लेकिन वन टाइम क्लीनिंग के लिए हम इंशाल्लाह यहाँ से इनिशिएटिव लेंगे। आने का मकसद ये था कि प्रॉपर हम एक सफाई करवा देंगे और डिज़ाइन ये कि काफ़ी आप देख रहे हैं कि घर नालों के ऊपर बने हुए, तो हमें कुछ एनक्रोचमेंट ड्राइव भी करनी पड़ेगी और सफाई के साथ साथ ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इलाके के एम पी ए अमन साहब मेरे साथ है और माशाल्लाह एनर्जेटिक है और हम बल्कि इंशाल्लाह करेंगे और ये बिल्कुल मेरे साथ ही खड़े आप इनके बीच ले सकते। शुक्रिया फारूक साहब का कि वो आज हमारे इलाके पी बी 30 का विजिट रखा है, खूस आज हम इस नाले से, ये बहुत तारीफी नाला है, इससे पहले मेरा ख्याल इससे लोग पानी भी पीते थे, इस नाले से सिंजर नाला इसे कहते हैं। आज फारूक साहब ने अपनी आंखों से देखा है जिस हालत में है, इसमें आए बच्चे भी गिरते हैं और जिस दिन बारिश होते हैं तो ये मोहल्ले के जो घरें हैं ये सब भर जाते हैं, या जब से फारूक साहब आए हैं तो हम देखते हैं कि रात को भी हमारे रोडें साफ़ हो गई हैं, हमारे मोहल्ले गलियों में वो छोटे छोटे जो सुजुकी जो पिक एंड ड्रॉप्स हैं वो भी चल रहे हैं, इनके लिए जो इकदाम हैं वो फारूक साहब के और हमारे जितने भी दोस्त हैं या उसके जो टीम है उन सब इमदाद हैं।